good morning. Today I am going to teach you subject grammar of standard 8. So first of all, happy new year to all of you, and I hope your Diwali vacation was going well and safe. Okay, so I am starting your lesson number 10, prepositions. Okay, so what is about preposition? Preposition kya hai ye main aapko pehle explain karti hu. It is made out of, first of all, its meaning. So preposition is the relationship between noun and pronoun. Okay, preposition क्या है कि noun and pronoun के बीच का जो relation होता है, it is known as prepositions. ठीक है? Now अगर हम इस word को अलग करते हैं, prepositions word को अलग करते हैं, so first pre plus position. Okay, pre plus position. What is about it? What is the meaning about it? कि अगर जब noun and pronoun के बीच का अगर relation show करना है, तो जो relation showing word है, मतलब कि जो relation show करता है जो word, वो word preposition, मतलब कि noun and pronoun से या तो पहले आ, या तो noun से पहले आता है, या तो pronoun से पहले आता है. ठीक है? So what is the preposition? Preposition is the relation between noun and pronoun, and preposition word which put before noun or pronoun. ठीक है? So ये था उसका meaning. Now we show the its type. So first is the preposition of place. अब preposition of place क्या होता है? इसके लिए कुछ वर्ड्स है जो शो करता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. फॉर एग्जाम्पल एट. ठीक है? फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है? एट, ऑन और इन. एट, ऑन, इन. ठीक है? अब एट मतलब कि अगर हम कोई प्लेस के बारे में बात करें. ठीक है? आई एम एट, आई एम इन द गार्डन. ठीक है? तो ये गार्डन क्या हुआ? प्लेस हुआ. और गार्डन के आगे क्या लगा? इन लगा. सो व्हाट इज अबाउट इन? इन इज योर प्रीपोजिशन. ओके, इसी तरह से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के आगे एग्जांपल है एट. वी यूज एट फॉर स्पेसिफिक एड्रेस. एट फॉर स्पेसिफिक एड्रेस, फॉर स्पेसिफिक एड्रेस. ठीक है? एड्रेस क्या शो करता है? प्लेस शो करता है. उसके आगे क्या लगा? एट लगा. सो दैट इट इज कंसिडर एज प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. अब प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस के प्लेस को हम लोकेशन भी कह सकते हैं, पोजिशन भी कह सकते हैं. ठीक है? सो यू कैन यूज एनी वर्ड, यू कैन यूज एनी वर्ड सब्स्टिट्यूट ऑफ प्लेस. मतलब पोजिशन भी हो सकता है, लोकेशन भी हो सकता है. ठीक है? बट इसको कंसिडर करने के जो वर्ड्स है वो है एट, इन एंड ऑन. नाउ नेक्स्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन. अभी प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन जो है ये आपको समझने का है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट थोड़ा नया है. ठीक है? अब व्हाट इज अबाउट प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन? फर्स्ट है टू और टुवर्ड. ठीक है? अब ये जो वर्ड है टू एंड टुवर्ड, अब ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है. क्या डिफरेंस है? एग्जाम्पल देखते हैं हम. माय पेरेंट्स ड्राइव टू द ऑफिस टुगेदर. माय पेरेंट्स ड्राइव टू द ऑफिस टुगेदर. मेरे पेरेंट्स है वो ड्राइव करके ऑफिस जा रहे हैं. ठीक है? सो ये क्या हुआ? डायरेक्शन हुआ. कौन सा डायरेक्शन हुआ? गो टू ऑफिस का डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन हुआ. ठीक है? सो टू वर्ड जो है वो किसके लिए लगता है? स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए लगता है. लाइक होम टू ऑफिस, होम टू स्कूल, स्कूल टू होम. ठीक है? उसके लिए टू लगता है. देन आफ्टर इन, सॉरी टू वर्ड, वी मूव्ड टूवर्ड द लैंप्स. ओके, वी वेर इनसाइड अ डार्क टनल, स्लोली वी मूव्ड टूवर्ड द लैंप्स.
टूवर्ड्स मतलब उसके आसपास होना, ठीक है। सो ये डिफरेंस है टू एंड टूवर्ड्स के बीच में। देन आफ्टर इनटू, अब इनटू क्या है, अ बॉय जंप्ड इनटू द पूल। बॉय जंप्ड इनटू द पूल कौन सा डायरेक्शन हुआ, डाउन डायरेक्शन हुआ। बॉय है वो पूल में क्या कर रहा है, जंप कर रहा है, ठीक है। सो ये होता है इन टू, कि कोई किसी पूल के अंदर, किसी रिवर के अंदर, ऐसी तरह से किसी भी चीज के अंदर जाना, जंप करना हो या वॉक करके जाना, उसको बोलते हैं इन टू, ठीक है, जो डायरेक्शन शो करता है। देन आफ्टर थ्रो, द ट्रेन मूव्ड थ्रू द टनल। थ्रू द टनल मतलब कि टनल के, ये टनल है, ठीक है, और टनल के ये नीचे से क्या जा रही है, ट्रेन जा रही है, ठीक है, टनल के आसपास होके जा रही है। यहां से टनल स्टार्ट हुई, यहां से खत्म हुई, यहां से वो ट्रेन बाहर निकली, ठीक है। ये जो टनल है उसमें से क्रॉस हो रही है, तो उसके लिए वर्ड यूज होगा थ्रो, ट्रेन पास टू थ्रो द टनल, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रॉस, द चाइल्ड रैन अक्रॉस द रोड। अक्रॉस मतलब कि रोड के आसपास, ये अगर रोड है, अगर हम इसको ये क्रॉस करते हैं तो इसके लिए वर्ड यूज होता है अक्रॉस, ठीक है। ये जो वर्ड है अक्रॉस, इट मीन्स दैट कि एक साइड से, एक साइड से दूसरी साइड जाना, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड जाना, जो पाथ है उसको क्रॉस कर, इट शोज द अक्रॉस वर्ड। देन अलोंग, द स्टूडेंट वॉक अलोंग द रिवर, ठीक है। अलोंग मतलब कि रिवर के पास में से, अगर ये रिवर है तो उसके पास से जाना, इट शोज दैट अलोंग विद द रिवर, रिवर के पास से निकल रहा है। जो चाइल्ड है वो कहां से, चाइल्ड है या स्टूडेंट है, स्टूडेंट है वो रिवर के पास से निकल रहा है, तो उसके लिए वर्ड है अलोंग, ठीक है। तो ये सब क्या शो करता है, डायरेक्शन, यू कैन सी दैट कि डाउन डायरेक्शन है ये, ये स्ट्रेट डायरेक्शन है, ये रिवर्स डायरेक्शन है, ये क्रॉस मतलब अक्रॉस, क्रॉस वाला डायरेक्शन है, ये स्ट्रेट मतलब पैरेलल डायरेक्शन है, जो रिवर जा रही है उसके पैरेलल वो चल रहा है, तो ये पैरेलल डायरेक्शन है। तो ये सब शो करता है प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस, ओके, प्रीपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन। एंड लास्ट वन इज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। व्हाट इज अ प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, सो ऑन, एट, इन, बिफोर, सिंस, फॉर, बाय, एटसेट्रा, ठीक है। जो ये सब वर्ड है ऑन, एट, मतलब कि ऑन, ऑन क्या शो करता है, टाइम शो करता है, मतलब कि हाँ कभी कभार कहते हैं ना, आई डू माय होमवर्क ऑन मंडे, आई डू माय वर्क ऑन थर्सडे, ठीक है, आई विल प्ले क्रिकेट ऑन सैटरडे। सो ऑन जो वर्ड है वो टाइम शो करता है। देन एट, व्हाट इज अबाउट एट, एट मतलब एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक टाइम। अब हमने कह तो दिया कि आई डू माय वर्क ऑन थर्सडे, बट ऑन थर्सडे कितने बजे, ठीक है, ये हमें स्पेसिफिक, हमें ऑन जो वर्ड है उसमें मेंशन नहीं किया था, बट एट जो वर्ड है वो स्पेसिफिक परफेक्ट टाइम मेंशन करता है। सो यहाँ पे देखो, एट क्वार्टर टू फाइव, एट 10 PM, एट नाइन, एट नून, एट वीकेंड, ठीक है, तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक टाइम मेंशन करता है। नाउ ई, अब ई तो आपको पता ही है, हम किसी के कोई टाइम पीरियड के बारे में बात करते हो तो इन रेनी सीजन, इन जुलाई, इन नवंबर, ठीक है। सो ये भी किस में आता है, टाइम में आता है, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम,
बिफोर, बिफोर बिफोर भी आपको पता है टाइम के लिए, बिफोर एंड आफ्टर यू नो दैट, बिफोर एंड आफ्टर किसके लिए लगता है, टाइम के लिए लगता है, ये तो प्रॉपर खुद ही एक टाइम पीरियड शो करता है बिफोर एंड आफ्टर, ठीक है। सीन्स, अब सीन्स क्या मतलब होता है कि अगर कोई आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो और वो वर्क स्टार्ट करने के बाद अभी तक वो चल रहा है तो उसके लिए आपको सीन्स का वर्ड यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, माई हाउस रीबिल्ड सिंस जुलाई, ठीक है, मेरा घर है वो रीबिल्ड हो रहा है जुलाई से, मतलब कि जुलाई से मेरे घर का रीबिल्ड होने का वर्क है, वो स्टार्ट है, वो अभी तक भी चल रहा है, ठीक है। सो माई हाउस रीबिल्ड वर्क इज, माई हाउस रीबिल्ड वर्क सिंस जुलाई, ठीक है। फॉर, नाउ सिंस एंड फॉर, सिंस एंड फॉर जो दो वर्ड्स है वो एक दूसरे के सिमिलर है, आप अगर सिंस लगाओ तो भी एक्सेप्टेबल है एंड फॉर लगाओ तो भी आपको वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है, क्योंकि दोनों का मीनिंग जो है वो क्या है, सेम निकलता है। एंड लास्ट वन इज बाय, व्हाट इज अबाउट बाय, आई विल बी बैक बाय 10 o'clock, बाय मतलब तब, एक लिमिट होती है, जैसे हम कहते हैं ना मैं इतने बजे तक मेरा काम कंप्लीट कर लूंगा, मैं इतने बजे तक वापस आ जाऊंगा, मैं इतने बजे तक ऑफिस पहुंच जाऊंगी, ठीक है, मैं इतने बजे तक स्कूल पहुंच जाऊंगी, ठीक है। तो ये जो तक, ठीक है, ये क्या शो करता है, लिमिट शो करता है। एंड जो लिमिट शो करने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है बाय। तो ये सारे वर्ड्स जो थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए वो कंसिडर होते हैं प्रपोजिशन ऑफ टाइम में, ठीक है। सो ये आपका था प्रपोजिशन का टॉपिक। से किस तरह से डिफरेंट है वो हमें इसमें देखना है।
सिंपल फ्रेशन वर्ब उसमें क्या आता है, फर्स्ट वेंट ऑफ सॉरी वेंट इन है, आई रीच्ड हिज हाउस एंड वेंट इन। अब वेंट इन जो है वो पास्ट टेंस ऑफ गो इन है, ठीक है। ये जो सेंटेंस आपको एग्जांपल का दिया है वो पास्ट टेंस का दिया है, इसीलिए जो वर्ड भी रखा है, जो फ्रेशर वर्ड रखा है वो भी आपको पास्ट टेंस का ही दिया है, ठीक है। अब वेंट इन, वेंट इन का जो मतलब होता है, अब यहां पे देखो स्पेशल पेज नंबर 66, सी हियर, यहां पे पेज नंबर 66 पे आपको जो दिया है सम फ्रेशर वर्ब सम शोइंग स्पेशल मीनिंग्स, ठीक है। सम स्पेशल वर्ब्स फ्रेशर वर्ब्स शो स्पेशल मीनिंग, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 से लेके 16 तक फ्रेशर वर्ब्स दिए। अब आपको ये जो फ्रेशर वर्ब्स है वो स्टडी करना है, बिकॉज ये आपके रूटीन लाइफ में भी यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया है वॉक अप, वॉक अप हम जनरली यूज करते हैं किसी को उठाने के लिए। देन कम ऑन, ठीक है, कम ऑन, अगर हम कोई गेम खेल रहा है, ठीक है, हमारे टीम से कोई गेम खेल रहा है, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, कम ऑन करके। सो इट्स कम ऑन का मतलब है बी क्विकली, हरी अप, ठीक है, जल्दी आप जो वर्क करे उसको फास्ट करो। देन ग्रो अप, ठीक है, बिकम एन एडल्ट, मतलब कि आप जल्दी से बड़े हो जाओ, ग्रो अप। ये सारे जो फ्रेशर वर्ब्स है ये हम रूटीन लाइफ में जनरली यूज करते हैं, ठीक है, बट हमें पता नहीं होता कि इसको फ्रेशर वर्ब्स बोलते हैं। अदरवाइज ये टॉपिक एकदम इजी है, अगर आपको वर्ड का समझ में आ जाए, सारे वर्ड्स जो है वो समझ में आ जाए, तो फ्रेशर वर्ब्स कुछ भी नहीं है। सो यहाँ पे फर्स्ट दिया है आपको वेंट इन, जैसे कि फर्स्ट है कम ऑन, कम ऑन
गेट ऑन, मैनेज इन अ जॉब, एट स्कूल, इन एन एग्जाम एटसेट्रा. गेट ऑन मतलब कि आप किसी चीज के साथ एडजस्ट करते हो, इसको बोलते हैं गेट ऑन. टेक ऑफ, टेक ऑफ तो आपको बताइए कि लीव द ग्राउंड बाय अ प्लेन, आप ग्राउंड पर छोड़ते हो प्लेन के थ्रू, मतलब कि आप प्लेन में बैठे कहीं पे उड़ते हो, उसके लिए वर्ड यूज होता है टेक ऑफ. जब प्लेन नीचे से ऊपर हवा में जाता है तब बोलो ना कि प्लेन ने टेक ऑफ किया. वो लुक आउट, वॉच आउट, लुक आउट और वॉच आउट का मतलब है बी केयरफुल. ठीक है, लुक आउट मतलब कि आप जो वर्क कर रहे हो उसमें ध्यान रखो, बी केयरफुल. ग्रो अप, बिकम एन एडल्ट, ग्रो अप मतलब कि बड़े हो जाना. ठीक है, डे बाय डे आप क्या हो रहे हो, ग्रो अप हो रहे हो, बड़े हो रहे हो. स्पीक अप, स्पीक मोर लाउडली, स्पीक अप मतलब कि स्पीक मोर लाउडली, जोर से बोलना. हरी अप, डू समथिंग मोर क्विकली, डू समथिंग मोर क्विकली, जल्दी से जल्दी अपना काम कंप्लीट करो. वॉश अप, वॉश द प्लेट्स एटसेट्रा आफ्टर अ मील. कुछ भी चीज होती है, डिशेज होती है, कपड़े होते हैं, उसको वॉश अप करना, धोना. गिव अप, गिव अप मतलब कि स्टॉप ट्राइंग, बट यू शुड नॉट हैव टू डू दिस. ठीक है, आपको लाइफ में कभी गिव अप नहीं करना है. आपको आपकी लाइफ में अपनी जो ट्राइंग्स है, आप जो ट्राई करते हो कुछ ना कुछ नया करने के लिए, वो आपको जारी रखना है. सो आपको कभी लाइफ में गिव अप नहीं करना है. सो गिव अप का मतलब होता है स्टॉप ट्राइंग. ठीक है, वॉक अप मतलब स्टॉप स्लीपिंग, स्लो डाउन, गो मोर स्लोली. स्लो डाउन मतलब कि बहुत ही धीरे से जाना. ब्रेक डाउन मतलब कि स्टॉप वर्किंग. ब्रेक डाउन का मतलब होता है स्टॉप वर्किंग, आज जो काम कर रहे हो उसको स्टॉप कर दो, इट इज नोन एज स्टॉप वर्किंग. ब्रेक डाउन. फॉल ओवर, फॉल ओवर का मतलब है लॉस योर बैलेंस, लूज योर बैलेंस. आप अगर कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें आप बैलेंस को मेंटेन करना चाहते हो लेकिन वो बैलेंस नहीं रहता है, सो इट इज नो, उसके लिए जो वर्ड है वो है फॉल ओवर, मतलब कि आपका जो बैलेंस है वो लूज हो गया है, तो लूज द बैलेंस. ठीक है, सो ये सारे जो वर्ड्स है ये आपके थे फ्रेशर वर्ड्स. ठीक है, जिसमें आपको एक्शन वर्ड जो है वो तो शो किए थे, लाइक वेंट, ग्रो, गो. ठीक है, स्पीक, देन कम, ये सारे जो वर्ड्स है एक्शन वर्ड्स है वो तो आपको शो किए थे, लेकिन उसके साथ आपको प्रीपोजिशन भी शो किए थे, जैसे कि कम ऑन. ठीक है, देन ग्रो अप, उसके बाद एक और वर्ड था गेट ऑन, टेक ऑफ, डाउन, स्लो डाउन. तो ये सारे जो है इन, ऑन, अंडर, ऑफ, अप, ये सारे जो वर्ड है